आज हम सबसे ज्यादा बहस किए जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या महिलाएं पुरुषों से बेहतर हैं? क्या पुरुष महिलाओं को कुछ नहीं समझते? क्या महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा सुंदर हैं? पुरुष या महिला, कौन बेहतर है? ये एक ऐसा विषय और ऐसी बहस है जिससे शायद ही कभी कोई जीतता हो। क्यूरियस पंथी आपको कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य बताएगा जिससे आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि कौन किससे बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, महिलाएं शांत होती हैं और पुरुषों का स्वभाव ज्यादा आक्रामक होता है। क्या आप जानते हैं कि ये सच है? अध्ययन से पता चला है कि तनाव और परेशानी में पुरुष और महिलाएं दोनों ही ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन छोड़ते हैं। हालांकि टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन के बीच होने वाली प्रतिक्रिया पुरुषों को और अग्रेसिव या आक्रामक बना देती है, जबकि एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन के बीच होने वाली प्रतिक्रिया से महिलाएं काम या शांत हो जाती हैं। दूसरा, पुरुष सुनते ही नहीं जब औरतें चिल्लाती हैं। पुरुष बेमतलब के शोर और परेशान करने वाली आवाजों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसके दिमाग के विकास के दौरान टेस्टोस्टेरोन सुनने वाली प्रणाली के फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, जिससे उन्हें ज्यादा शोर और तीखी आवाजें पसंद नहीं आती। वहीं महिलाओं के दिमाग में पुरुषों की तुलना में 11% ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो भाषा और सुनने वाली प्रणाली पर असर डालते हैं। न केवल महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर सुन सकती हैं, बल्कि वे बच्चे के रोने जैसी भावनात्मक आवाजों को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि वो पोषणकर्ता के रूप में विकसित होती हैं। तीसरा, पुरुष और महिलाएं अलग तरह से देखते हैं। अध्ययन से पता चला है कि दोनों ही चीजों को अलग तरह से देखते हैं। पुरुषों का रेटिना मोटा होता है और मैग्नोसेल्युलर सेल्स यानी एम सेल्स ज्यादा और बड़े होते हैं, जो रेटिना के आसपास फैले होते हैं। ये सेल्स यानी कोशिकाएं चीजों की गति पर नजर रखते हैं, इसलिए ये देखा गया है कि बच्चे चलती हुई चीजों को देखकर ज्यादा खुश होते हैं, जबकि फीमेल रेटिना पतली होती है। इसमें ज्यादा संख्या में पावो सेल्युलर सेल्स यानी पी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनका आकार छोटा होता है और रेटिना के बीच में ही होता है। ये कोशिकाएं चीजों की पहचान करती हैं और उनकी रंग और बनावट का भी फर्क पता कर सकती हैं, इसलिए बच्चियां युवा महिला के चेहरे को देखना ज्यादा पसंद करती हैं। चौथा, पुरुष और महिला अलग महसूस करते और सोचते हैं। अध्ययन में पता चला है कि कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का दिमाग अधिक सक्रिय होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि फोकस, कंट्रोल, लिम्बिक और इमोशनल क्षेत्रों का काम करता है, वो महिलाओं के दिमाग में अधिक सक्रिय होता है। महिलाएं सोचने और कार्य करने के लिए मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फेयर का इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं के फाइबर पाथवे स्टेडी मेडे काम करते हैं, दिमाग के दोनों हिस्सों में जाते हैं, दाएं यानी लॉजिकल और बाएं यानी क्रिएटिव हिस्से से सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर पुरुष खास तौर पर मस्तिष्क के बाएं हेमिस्फेयर का उपयोग करते हैं। पुरुषों के दिमाग के हर एक हेमिस्फेयर में फाइबर पाथवे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी दिमाग के अगले और पिछले हिस्से में, जिससे किसी चीज की अच्छी धारणा और मजबूत मोटर स्किल्स होती हैं। मस्तिष्क के उनके विजुअल और कोऑर्डिनेशन केंद्र ज्यादा सक्रिय होते हैं। पांचवा, पुरुष और महिला की शारीरिक संरचना। महिलाओं में ज्यादातर गायनॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी गायनॉइड वसा वितरण, जिसका मतलब है हिप, बटॉक्स और थाइज के आसपास ज्यादा वसा का जमा होना। इसे आमतौर पर नाशपाती के आकार का शरीर कहते हैं, जहां कूल्हे और नितंब कमर से बहुत बड़े होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये महिला प्रजनन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि ये फैट में इकट्ठा होता है और बच्चे के विकास के लिए पोषण देता है। हालांकि मेनोपॉज के बाद उनका शरीर उस एंड्रॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन को अपना लेता है जो पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में आमतौर पर फैट का एंड्रॉइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी वसा का एंड्रॉइड वितरण होता है, जिसका मतलब है कि वसा ज्यादातर पेट के आसपास या ऊपरी शरीर के आसपास इकट्ठा होती है। इस तरह के शरीर के आकार को सेब के आकार की बॉडी कहते हैं, यानी कमर कूल्हों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। एंड्रॉइड फैट स्टोरेज पुरुष के प्रजनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन द्वारा भी नियंत्रित होता है, हालांकि टेस्टोस्टेरोन के स्तर की वजह से फैट के इकट्ठा होने पर भी फर्क पड़ता है। पुरुष और महिला दोनों ही अलग प्राणी हैं। कौन बेहतर है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, इसलिए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसे ही और सवालों के लिए हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को जरूर सब्सक्राइब करें।